सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स एक बार फिर सबका बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि गूगल डॉक्स में टेबल को कैसे डिलीट करते हैं बिना टेक्स्ट को डिलीट किए, यानी कि टेबल के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो वही रहेगा और टेबल हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं आज के इस वीडियो में जानेंगे। गूगल डॉक्स के ऊपर इससे पहले करीब 30 से ज्यादा टॉपिक्स में कवर कर चुका हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं गूगल डॉक्स का पेज ओपन है और यहां पर हमने एक छोटी सी टेबल बनाई हुई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पूरी टेबल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पूरी टेबल को हमने यहां तक सेलेक्ट कर लिया, ठीक। उसके बाद हमको चलना राइट साइड में, यहां देखिए ये टेबल की जो विड्थ है यानी बॉर्डर की जो विड्थ है उसको घटाने या बढ़ाने का ऑप्शन है। जब कर्सर यहां ले जा रहे हैं तो नीचे देखिए लिख के आ रहा है बॉर्डर विड्थ, ठीक है। इस पर क्लिक कर दीजिए तो करेंटली ये 2.25 पे सेलेक्ट है, ठीक है। हमको इसको जीरो करना है, तो जैसे ही हम जीरो पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि जो भी टेबल थी वो यहां से हट जाएगी, ठीक है, और जो भी टेक्स्ट होगा टेबल के अंदर वो वहीं रहेगा। तो चलिए जीरो पीटी पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए हमने क्लिक कर दिया और जैसे ही हमने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि सारे बॉर्डर जो हट गए, बाहर क्लिक करते आपको दिख जाएगा, ये देखिए जितने भी बॉर्डर थे वो सब हट गए और अंदर का जो टेक्स्ट है वो वहीं का वहीं है, ठीक है।